हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले तो कि काफ़ी लेट वीडियो आ रही है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अपना कीबोर्ड के बारे में अपना रिव्यू देंगे, तो मुझे इसको यूज़ करते हुए कम से कम एक हफ्ता हो गया है। तो यूज़ करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसकी लुक वगैरह के बारे में एंड कीबोर्ड की प्रेस वगैरह सब कुछ ऑल ओवर रिव्यू देंगे इसके बारे में, और आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए इसके बारे में भी आपको बताऊँगा मैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो कीबोर्ड है ये प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त कीबोर्ड है। जो इसकी लुक है, मेटेलिक लुक है और काफ़ी ज़बरदस्त की प्रेस होता है, तो प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है। गाइस, सबसे पहले हम करने वाले हैं कीबोर्ड के लुक के बारे में बात। तो लुक आप देख ही सकते हो, काफ़ी एल्युमिनियम बॉडी के साथ इसका फ्रेम आता है कीबोर्ड का, एंड की वगैरह भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त लुक में मिलता है। और ऑल ओवर मैं कहूँगा कि ये काफ़ी ज़बरदस्त लुक वाला कीबोर्ड लगा मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर। सेकंड थिंग, 104 की के साथ ये कीबोर्ड आता है, एंड मल्टीमीडिया की भी आपको मिल जाती है इसके साथ में। तो गाइस, बात कर लेते हैं इसकी केबल की। हाई क्वालिटी यूएसबी कनेक्टर एंड 1.8 मीटर ब्रिजिड केबल एंड कोल्ड पोर्ट के साथ आपको इसकी केबल मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही लगी मुझे। एंड गाइस, कीबोर्ड के बैक साइड में आपको डबल हाइट एडजस्ट स्टैंड मिल जाते हैं, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कीबोर्ड की हाइट को। गाइस, इसके साथ 3 लाइट इफेक्ट आते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप बंद भी करके रख सकते हो इसको। जैसे कि ये बंद है इस टाइम पे, आप इसको ऑन करते हैं, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड ये हो गया। 3 लाइट मिल जाती है आपको इसमें, एंड एक लाइट इफेक्ट मिल जाता है जो कि आप चेक कर सकते हो। ये जो लाइटें 3 थी वो रिपीट होती रहती है ऑटोमेटिकली इस तरीके से। एंड गाइस, इसकी आप लाइटिंग को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कीबोर्ड की लाइटिंग को। जैसे अभी ये लाइट इफेक्ट लग गया, तो इसकी लाइटिंग को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, डिम या फिर थोड़ी हाई इस तरीके से। एंड गाइस, बात कर लेते हैं इसके माउस की, जो कि सिंगल लाइट के साथ आता है, और वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट चेंज होता रहता है, इसका लाइटिंग रिपीट होती रहती है बार बार। एंड गाइस, जो इसका स्ट्रोलर है वो थोड़ा सा चीप प्राइस का लगा, क्योंकि जो ऊपर का ये रबड़ है और अंदर का प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है इन्होंने। एक्चुअल में ये इसलिए यूज़ किया हुआ है क्या, ताकि इसके अंदर भी लाइट आ सके, जो कि इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती, पर चलता काफ़ी स्मूथ है। एंड इसकी प्रेस जो है वो काफ़ी स्मूथ चलती है, एंड इसके साइड में 2 बटन मिल जाते हैं जो कि बैक एंड फॉरवर्ड के लिए है, जो कि काफ़ी स्मूथ है ये भी। तो इतना स्मूथ होने के बाद दिक्कत ये भी आती है कि जैसे हम काम कर रहे होते हैं कई बार ये प्रेस हो जाता है, ऐसे पता नहीं चलता जैसे काम करते करते टाइम, तो ये प्रेस भी हो जाता है कई बार, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे ओवरऑल बात करूँ तो मैं काफ़ी सही लगा ये मुझे माउस भी इसका, सिंगल लाइट इफेक्ट के साथ आता है, तो इस रेंज में तो काफ़ी मुझे सही लगा ये माउस भी और कीबोर्ड भी, दोनों कॉम्बो यार देखो। तो गाइस, ये था कीबोर्ड का रिव्यू जो कि मैंने आपको दिखाया, कीबोर्ड एंड माउस जो कि कॉम्बो होते हैं। एंड बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से लिया था, तो ये मुझे 1350 रुपये में मिल गया था। अगर आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर करते हैं तो ये आपको 1000 से लेके 1500-1900, पता नहीं ऑफर चेंज होता रहता है, मुझे नहीं पता आप जिस टाइम पर ऑर्डर कर रहे हो उस टाइम पर क्या आपको प्राइस मिलेगा इसको। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज़ करना चाहते हो इसको, तो 2-4 दुकान पर आप पता करोगे तो आपको मिल जाएगा ये, तो ऑफलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि रिव्यू आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।